उत्तर प्रदेश की संस्कृति, परंपरा, इतिहास, त्यौहार, कृषि और पर्यटन स्थलों की भूमि है। प्राचीन मंदिरों से लेकर राष्ट्रीय कंपनियों और ऐतिहासिक स्थानों की भूमि है। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के रोचक तथ्य जानेंगे, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिख रही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को देवताओं का घर भी माना जाता है। यहाँ पर कौशल की राजधानी अयोध्या वह स्थान है जहाँ श्री राम का जन्म हुआ था, जिन्होंने हिंदू काव्य रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर प्रदेश को देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों का घर माना जाता है, जिसे मगध, सुंग और मुगल इस राज्य को अत्यंत शक्तिशाली मानते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि परिजात के पेड़ भगवान श्री कृष्ण द्वारा स्वर्ग से लाया गया है। इस पेड़ के फूल समय समय पर अपने फूलों के रंग बदलते रहते हैं। 22 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश भारत का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। यह भारत की लगभग 17% आबादी को बनाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश यदि अलग देश होता है तो यह दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला 6ठा देश होगा। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 9 पड़ोसी राज्यों से बॉर्डर शेयर करता है। उत्तर पश्चिम में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से बॉर्डर शेयर करता है, और यह पड़ोसी देश नेपाल से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश गंगा और यमुना की दो बात क्षेत्र की भूमि है। राज्य में दो प्रमुख नदियाँ जो गंगा और यमुना हैं, जो राज्य को एक विस्तृत पर्यटन उद्योग देती हैं, और ये नदियाँ बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, इसे कुंभ भी कहा जाता है। इसे 2013 में कुंभ मेला आयोजित किया गया था, जिसमें 12 करोड़ लोगों से अधिक उपस्थित हुए थे, जिसे स्पेस से साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, इस राज्य ने भारत को सबसे अधिक अभिनेता और नेता दिए हैं। इस राज्य ने हिंदुस्तान को कुल 9 प्रधानमंत्री दिए हैं। इस राज्य की लिटरेसी रेट लगभग 70% है, जिसमें से 75% पुरुष और 65% महिला हैं। इस राज्य की लिटरेसी रेट भारतीय लिटरेसी रेट से काफ़ी पीछे है, और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश भी आज भी देश के पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। इस देश में सेक्स रेशियो 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं हैं, जो काफ़ी कम है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिख रही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।